नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्टा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ, देखते हैं कुछ अहम सुर्खियां। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच पर निकले किसान, सातवें दिन भी हुए उग्र। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गिराए बैरिकेड, जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर अड़े किसान। सड़कों पर उतरे किसानों को तीसरे दिन की बातचीत में नहीं निकला कोई अंजाम, 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। किसानों का ऐलान, जब मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बड़ा सड़क हादसा, स्कॉर्पियो पर बालू से भरा एक ट्रक पलटा, हादसे में 8 लोगों की हुई मौत, कई घायल, कौशाम्बी में बड़ा हादसा। दिल्ली एनसीआर में सुबह 4 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई, किसी की क्षति सूचना नहीं मिली। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले आए सामने, 501 मरीजों की वायरस के चलते हुई मौत, पिछले 24 घंटे में 36,000 केस। और अब खबरें विस्तार से। लगातार किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर की समस्त बॉर्डरों पर किसानों का चक्का जाम, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच पर निकले किसान सातवें दिन और उग्र हो गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उन्होंने बैरिकेड्स गिरा दिए, वे दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को सिंधु और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। दिल्ली और जिला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। 3 दिसंबर को एक बार फिर वार्ता होगी। हालांकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठे किसानों से वार्ता के लिए सुबह करीब 11 बजे ग्रेटर नोएडा के DCP राजेश कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने किसानों के से एक तरफ का रास्ता खोलने का आग्रह किया। इस पर किसान यूनियन के पदाधिकारी बोले, हम खुद नहीं रुके, बॉर्डर पर हमें रोका गया है, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। और इसी के साथ साथ इस पर DCP ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनता की परेशानी भी समझे, पार्क में पुलिस प्रशासन किसानों को बैठने का पूरा इंतजाम करेगा। इन सब बातों के बाद किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए और दिल्ली जाने पर डटे रहे। किसानों ने पुलिस से 2 टूक बात कही है कि रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, दिल्ली जाने का रास्ता खोल दिया जाए, हम जाने को तैयार हैं। और इसके बाद किसानों ने से रास्ते से हटने से मना कर दिया है। और जिस तरह से किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है, उन सबके बीच में एक दौर की बातचीत किसानों की हो चुकी है, लेकिन 3 दिसंबर यानी कि कल दूसरे दौर की बातचीत होनी है, उसमें क्या कुछ नतीजा निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से तीसरे दौर की बातचीत का कोई अंजाम नहीं निकला है। अब तय हुआ है कि 3 दिसंबर यानी कि कल फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लग रहा है, कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के पास किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोगों से अपील की गई है कि वह नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NS24 और DND का इस्तेमाल करें। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेज रफ्तार की। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर यूपी के कौशाम्बी में देखने को मिला है। यहाँ बालू से भरा ट्रक स्कॉर्पियो पर जा पलटा, जिससे 8 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कौशाम्बी के कड़ा कोतवाली इलाके के यहाँ यह दर्दनाक हादसे की खबर है। कोतवाली के देवीगंज के पास शादी समारोह में आई स्कॉर्पियो पर बालू से लदा एक ट्रक पलट गया। हादसे में 8 लोगों की मौत की हुई खबर है। बारात कोखराज कोतवाली के शाहजादपुर से देवीगंज स्थित महेश्वरी गार्डन गई थी। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। कौशाम्बी के जिलाधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। कार के अंदर 8 व्यक्ति सवार थे, जिस पर ट्रक पलट गया। ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
और एससीओ बैठक के सकारात्मक संदेश जो तरीके हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ उसका परिणाम निकला है इस बैठक के बाद समझ में आएगा। चीन ने मंगलवार को कहा था कि भारत की मेजबानी में हुई एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक का दुनिया में सकारात्मक संदेश गया है। इस बैठक में शामिल हुए नेता कई जरूरी मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचे थे, जो कि दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश है। चीन की ओर से इस बैठक में ली केंगियांग सोमवार को वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बैठक को संबोधित किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ जूनियर ने कहा, बैठक में हाल ही में हुए एससीओ सम्मेलन में बनी सहमतियों को लागू करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कोविड-19 से लड़ाई को आगे बढ़ाने, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मुद्दों पर बात हुई है। इनमें कई मुद्दों पर नेताओं के बीच सहमति बनी है, कुछ में असहमति भी बनी है। चुनिंग ने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है। बीते महीने में की शुरुआत में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस में हुए एससीओ के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके मापे गए हैं, 2.7 की रिक्टर की तीव्रता से भूकंप आया था। अल सुबह की घटना है, दिल्ली में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए रिक्टर पैमाने पर। इस भूकंप की तीव्रता 2.7 रही। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके सवेरे 4:05 के आसपास महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गाजियाबाद को बताया जा रहा है। फिलहाल किसी की क्षति की सूचना नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लेकर अब तक दिल्ली में 10 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं और उनका केंद्र भी एनसीआर के आसपास ही रहा है। कल सुबह उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने हिमालय में बड़े भूकंप की आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिलसिलेवार भूकंपों के साथ बड़ा भूकंप भी आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के आसपास घनी आबादी वाले देशों में इससे भारी तबाही मच सकती है और राजधानी दिल्ली भी इसकी जद में होगी। हालांकि ये भूकंप कब आएंगे इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगाया गया है और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आने वाले 100 साल इसके आने की संभावना रहेगी। और देश में चक्रवाती तूफानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां देश में साल लोग कोरोना महामारी से त्रस्त है तो वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और अभी इसके गुजरे हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के चलते मंगलवार देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके चक्रवाती तूफान बुरेवी के रूप में 2 दिसंबर की शाम या रात को त्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका तट से गुजरने का पूर्वानुमान है और इसके दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि इसके बाद इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती तूफान कोमेरेन इलाके में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह संभवतः पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 1 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एवं 3 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम में श्रीलंका के पूर्वी तट के पास न जाएं। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 से 4 दिसंबर तक कोमोरेन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर भी खतरे की चेतावनी दी है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी आंकड़ों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सितम देखने को मिल रहा है। सबके बीच में भारत में दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा देखा गया है। मंगलवार को 31,118 मामले सामने आए, वहीं पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले सामने आने की खबर है। इस दौरान 501 मरीजों की वायरस के चलते दर्दनाक मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब देश में पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,41,94,674 हो गई है। वायरस के कारण अब तक 14,86,829 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,44,41,249। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और राजनेता और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि वो शिवसेना में शामिल हो चुकी है। पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली उर्मिला मातोंडकर अब शिवसेना के पाले में आ गई है।
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गई है। विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में पार्टी उर्मिला मातोंडकर का नाम भी प्रस्ताव पहले ही हो चुका है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उन्हें शिवबंधन बांधकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के अलावा सुभाषा देसाई, अनिल देसाई समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। शिवसेना के एक बड़े नेता ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत को जवाब दिया था उससे पार्टी नेतृत्व उनसे काफी प्रभावित हुआ था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही शिवसेना और कंगना रनौत में ठनी हुई है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढा दिया था। वही उन्होंने मुंबई की तुलना एक पाक अधिकृत कश्मीर से की थी। हालांकि कंगना के दफ्तर ढहाने के मामले में शिवसेना के शासन वाली बीएमसी को उस समय मुंह की खानी पड़ी थी जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसे बदले की कार्रवाई करार दिया और बीएमसी को नुकसान का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। और अभिनेता सनी देओल इन दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी प्राथमिक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से उन्होंने सूचना जाहिर की है कि उनके संपर्क में आए हुए सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपने कोरोना की टेस्ट कराएं। बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और करीब एक माह से हिमाचल के मनाली में रह रहे हैं। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश महसूस की गई है, इस पर उन्होंने अपना टेस्ट कराया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को उनके सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सनी देओल को मनाली से काफी जुड़ाव है और सर्दियों में मनाली भी रहते हैं। इस साल भी मुंबई में कोरोना के कहर के बीच मनाली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में 14 और कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 कोरोना पॉजिटिव मामलों की मरीजों की मौत हो गई है। और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी जल निगम बोर्ड भर्ती घोटाले में एक बार फिर उन्हें दोषी पाया गया है। बता दें कि फिलहाल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी फातिमा खान तीनों सीतापुर के जेल में बंद हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती घोटाले में स्पेशल टास्क फोर्स ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गैर जमानती वारंट को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। एसआईटी जांच में पूर्व मंत्री आजम खान समेत 14 लोग दोषी पाए गए हैं। एसआईटी सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी। इसके साथ ही दोषियों से पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके असुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जल निगम में जेई के 853 और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थी। जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया है। इसके बाद अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था। फिलहाल आजम खान, पत्नी ताजिन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद है। और घोषित भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़ा घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है। नीरव के भारत प्रत्यर्पण पर निर्णायक फैसला अगले वर्ष जनवरी में हो जाएगा। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर मंगलवार को ही सुनवाई में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अवर्थनॉट ने नीरव की रिमांड 19 दिसंबर को बढ़ा दी थी। और कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर नीरव इस बार भी वेंट्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ाई रिमांड। अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को होगी। चीफ मजिस्ट्रेट एम अवर्थनॉट ने सुनवाई के दौरान नीरव मोदी को बताया कि अब बस एक और छोटी सी सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान बड़ी हुई दाढ़ी और मैरून स्वेटर में पेश हुए नीरव मोदी ने सिर्फ अपना नाम और जन्मतिथि बोली, बाकी समय वह चुपचाप रहा। कोर्ट अब इस मामले की निर्णायक सुनवाई अगले वर्ष यानी कि 2021 में 7 और 8 जनवरी को करेगा। जिला जज बूजी उस दिन दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनेंगे। इसके बाद वह एक या दो हफ्तों में अपना फैसला सुनाएंगे।
3 नवंबर को पिछली सुनवाई में जज गुजी ने सीबीआई और ईडी के कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ दलीलें सुनी थी। भारत सरकार की ओर से पैरवी कर रही क्राउन अभियोजन सेवा सीपीएस ने जोर दिया था कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत पेश किए गए साक्ष्य गवाहों के बयान ब्रिटिश कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि नीरव मोदी भारतीय न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाना चाहिए। सीपीएस ने दलील दी कि इसके लिए नीरव का भारत प्रत्यर्पण जरूरी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीसी न्यूज़।